और गलत कहा है इसने कि हामिद भाई के डर से इसने सब कुछ किया है। अरे इसने तो खेल रिचाया है सबको बर्बाद करने का, जितना बुरा कर सकती थी किया इसने। किया मैंने बुरा, सब सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपना आप बर्बाद कर दिया। आप क्या चाहती हो तुम? आपकी मेरे लिए चाहत ने मेरे दिल में आपके लिए चाहत भर दी। खुद से ज्यादा चाहता था मैं सादिया को। गुस्सा था मैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मुझे लगा शायद मेरी मोहब्बत में कमी रह गई थी जो उसने उमैर को चुन लिया। लेकिन हकीकत जानने के बाद मेरे दिल में उसकी इज्जत और बढ़ गई और तुम्हारे लिए नफरत। मैं हूं नफरत के काबिल, मैं हूं। वो तो मेरे किए घर बात ही चले गए। उमैर की इतनी नफरत, इतनी अजियत के बावजूद वो उसके साथ निभाने की कोशिश करती रही, खामोश रही, कुछ नहीं कहा उसने, मेरे लिए अच्छा सोचती रही। आपसे शादी पर खुश थी। मैंने तो सोचा ही नहीं था मैं उमैर को अजियत दूंगी, उसे तन्हा कर दूंगी तो मेरी तो अपनी बहन तन्हा हो जाएगी, वो तड़पेगा तो अजियत तो मेरी बहन को होगी। मैं तो सिर्फ आपकी और आप ही की रहूंगी, आखिरी सांस तक आपके प्यार में। मोहब्बत प्यार का धोखा बहुत खा लिया मैंने, तुम पे तो भरोसा किया था ना मैंने, खुद पर से भरोसा उठ गया। क्या 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 आपको अपनी शादी पे यकीन नहीं? कानों सुना झुटलाया जा सकता है लेकिन आपको देखा कैसे झुटलाऊं मैं? कितने पर्दे उठाने बाकी हैं? वो मुझसे नहीं ज़ुबिया से मिलने आया था। आपको धोखा दूंगी तो मुंह के बल गिर जाऊंगी और आज गिर गया। बस सुन, बहुत सुना लिया तुमने, निकलो यहां से। अरे प्लीज एक बार मुझे एक बार मुझसे बात करने दो। मेरे अब्बू से तो मुझे माफी मांगने का मौका नहीं मिला और मेरी माँ वो मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत बुरा किया है सबके साथ, सजा मिल रही है मुझे, लेकिन उसकी सजा सिर्फ मुझे मिले ना, सिर्फ मैं अजियत में रहूं, मेरी माँ तो नहीं। लेकिन अब अहमर तुम्हें माफ नहीं करेगा, समझे तुम? ना करे वो मुझे माफ, मुझे ना करे वो कबूल, बस एक बार
मेरी माँ के खातिर मुझे माफ कर। वो मैं उसके नजरों के सामने रहूंगी ना, वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी सारी जिंदगी उसके कदमों में अपनी अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए गुजार दूंगी। और आखिरी वक्त तक अपनी मैं माफी मांगती रहूंगी। मैं जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देती, सिर्फ एक बार मेरे साथ हॉस्पिटल जो देखो होश आ गया, वो सबके सामने अपनी अम्मा के सामने सच्चाई बता देगी। उसके बाद जो जो फैसला लेना मुझे कबूल हो। प्लीज अहमद, प्लीज सुन लो मेरी बात। जो कुछ मैंने आप लोगों के साथ किया, मैं उसकी अपने खुदा के सामने माफी मांगती रहूंगी, गिड़गिड़ाती रहूंगी उसके सामने। शायद मेरा खुदा मुझे मेरी आखिरी सांस से पहले माफ कर। सुबह खुदा तो रहमान और रहीम है, वो तो माफ करने वाला है ना। हम क्या हैं? अदना से गुनाहगार से लोग नहीं। सुबह मुझ में इतना सिर्फ नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर सकूं। आज सब कुछ सच बोलकर, अपनी हर गलती की माफी मांगकर, मुझे आज भी माफी नहीं मिल रही। हजियत से तड़पना तो मुझसे नहीं देखा जाएगा, उसकी नजरों के सामने रहूंगी तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। जितना बुरा मैंने किया सबके साथ, उसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। छोड़ो इसे, छोड़ दे मुझे। माफ किया तुम्हें, माफ किया। एक बार फिर सोचो, फिर से धोखा ना खा लेने से। धोखा तो मैं भी दे रहा था मी, जलाई
की तेरी।